Hi everyone, this is Renuka and I welcome you all on this session. Today we will solve the puzzles asked in SBI PO Prelims 2019. ये puzzles मैंने SBI PO Prelims 2019 के memory based paper से उठाए हैं, जिसमें एक north and south facing row puzzle आया था, एक box puzzle आया था with one variation, और एक floor puzzle और एक triangular sitting arrangement भी आया था. So let's begin the session with the first one, that is row puzzle. सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके आप चारों पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? देखो क्या कह रहा है. 9 पर्संस आर सिटिंग इन ए रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ, पी सीट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स. कह रहा है 9 लोग हैं जिनमें से कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ साउथ फेस कर रहे हैं. पी जो है वो एक्सट्रीम एंड से सेकेंड में है, यानी लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है. तो इसके दो केसेस बन सकते हैं. हम इसके दो केसेस बना लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. देखो यहाँ नॉर्थ और साउथ फेसिंग नहीं होता. सिर्फ नॉर्थ फेसिंग या सिर्फ साउथ फेसिंग होता तो हम एक ही रो में दो केसेस बना सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे. क्योंकि यहाँ नॉर्थ और साउथ फेसिंग एक ही रो में है, इसलिए हमें टू लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो क्या कह रहा है, पी सीट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स. यहाँ पे पी यहाँ लिख लो, यहाँ पे पी यहाँ लिख लो, ठीक है? टू पर्सन सीट बिटवीन पी एंड आर, यानी 1, 2, यहाँ पे आर हो जाएगा, 1, 2 यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है? फिर क्या कह रहा है, एस सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर. देखो यहाँ अगर साउथ को आर फेस करेगा तो यहाँ तो पी ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ नॉर्थ को फेस करेगा आर. 1, 2 एस, एस थर्ड में है, आर के लेफ्ट में, ठीक है? यहाँ भी सिमिलरली आर साउथ को फेस करेगा तभी एस यहाँ पे आएगा, ठीक है? फिर क्या कह रहा है, यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस. देखो यहाँ अगर एस नॉर्थ फेस करेगा तो उसके सेकेंड राइट में कोई प्लेस नहीं है, इसलिए यहाँ एस क्या फेस करेगा, साउथ, तभी 1, 2 यहाँ पे यू आएगा, ठीक है? सिमिलरली यहाँ एस क्या फेस करेगा, नॉर्थ, तभी 1, 2 यहाँ पे यू आएगा, ठीक है? फिर क्या कह रहा है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ एस फेसेस ऑपोजिट टू एस. तो यहाँ अगर एस नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसके इमीडिएट नेबर्स क्या फेस करेंगे, साउथ. ये भी साउथ होगा, ये भी साउथ होगा. यहाँ एस साउथ फेस कर रहा है तो उसके नेबर्स क्या फेस करेंगे, नॉर्थ, यानी ये नॉर्थ हो जाएगा और ये भी नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है? फिर कह रहा है, टी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू. यहाँ यू नॉर्थ फेस करेगा तो ऑलरेडी एस यहाँ पे है, इसलिए यहाँ यू फेस करेगा साउथ, तभी टी यहाँ पे आएगा, ठीक है? यहाँ पे यू सिमिलरली नॉर्थ फेस करेगा तभी यहाँ पे टी आएगा, ठीक है? फिर क्या कह रहा है, डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी. टी के नेबर पे सिर्फ यहाँ प्लेस है तो डब्ल्यू यहाँ प्लेस कर दो, यहाँ पे डब्ल्यू यहाँ प्लेस कर दो, ठीक है? फिर क्या कह रहा है, पर्सन सिटिंग इन एन एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग ऑपोजिट डिरेक्शन टू ईच अदर. यहाँ ऑलरेडी साउथ है तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ. यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ. फिर क्या कह रहा है, पी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी. देखो यहाँ अगर टी नॉर्थ को फेस करेगा तो उसके लेफ्ट में पी आ जाएगा. हमें चाहिए पी राइट में, तो इसलिए टी यहाँ क्या फेस करेगा, साउथ फेस करेगा, तभी यहाँ पी राइट में होगा, ठीक है? सिमिलरली यहाँ टी क्या होगा, नॉर्थ फेस करेगा तभी उसके राइट में पी आएगा, ठीक है? फिर क्या कह रहा है, डब्ल्यू एंड पी डज नॉट फेस नॉर्थ, यानी क्या फेस करेंगे, साउथ. यहाँ भी साउथ, यहाँ भी साउथ, यहाँ भी साउथ, यहाँ भी साउथ, ठीक है? फिर क्या कह रहा है, क्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ भी. दो प्लेसेस कहाँ पे है, यहाँ भी होगा, यहाँ क्यू होगा. यहाँ भी होगा तभी यहाँ क्यू होगा, लेफ्ट में है ना, 1, 2 भी के लेफ्ट में क्यू है, ठीक है? फिर कह रहा है, एक्स डज नॉट फेस साउथ. तो यहाँ एक ही प्लेस बचा है जो साउथ का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ होगा एक्स, तो ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है? अभी देखो क्या क्वेश्चंस आए थे. वंस आपने पजल सॉल्व कर दिया तो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू. यू के थर्ड राइट में कौन है, 1, 2, 3 डब्ल्यू है, तो इसका आंसर क्या होगा, डब्ल्यू. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड एस. पी यहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, 5. एस यहाँ पे है तो 5% सिटिंग बिटवीन पी एंड एस, इसका आंसर होगा 5, ठीक है? थर्ड नंबर में है, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन आर सिटिंग
एट एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे कौन है, वी और एक्स, वी और एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग साउथ, साउथ कौन कौन फेस कर रहा है, वन टू थ्री फोर, फोर पर्सन आर फेसिंग साउथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, तो यहाँ पे साउथ कितने फेस कर रहे थे, चार, तो नौ में से चार गया तो कितना आएगा, पांच, तो ऑब्वियसली फाइव पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, है ना। तो अभी सॉल्व करेंगे बॉक्स पजल को, देखो क्या कह रहा है, सिक्स बॉक्सेस दैट इज ए बी सी डी एंड एफ ऑफ डिफरेंट कलर्स दैट इज ऑरेंज रेड ब्लैक येलो पिंक एंड व्हाइट आर प्लेस्ड वन अबव अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। छह बॉक्सेस हैं ए बी सी डी ई एफ डिफरेंट कलर्स के, एक के ऊपर एक हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, सी इज प्लेस्ड जस्ट अबव द ऑरेंज कलर्ड बॉक्स, तो हम इसको बना लेते हैं ऑरेंज यहाँ पे, इसके जस्ट अबव है सी यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड ऑरेंज कलर्ड बॉक्स, तो यहाँ पे ऑरेंज है तो यहाँ पे वन बॉक्स छोड़ के यहाँ पे ए हो सकता है, एक और भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो हम एक और केस बना लेते हैं ऑरेंज यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे वन बॉक्स छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। फिर कह रहा है थ्री बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड पिंक कलर्ड बॉक्स, ए और पिंक कलर बॉक्स के बीच तीन बॉक्स है, देखो यहाँ अगर तीन बॉक्स नीचे हो जाएंगे तो यहाँ ऊपर ऑलरेडी तीन है, तो छः से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें तो छः चाहिए, तो ऊपर ही कहीं ए के ऊपर पिंक होगा, तो ए के ऊपर यहाँ तीन बॉक्स गए तो यहाँ होगा पिंक। सिमिलरली यहाँ पे अगर नीचे कहीं पिंक होगा तभी होगा, क्योंकि ऊपर कहीं पे होगा तो ऑलरेडी यहाँ तीन है, ऊपर चार हो जाएंगे तो सेवन हो जाएंगे, तो यहाँ वन टू और थ्री छोड़ के यहाँ होगा पिंक, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, देखो टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड ई, तो हमें यहाँ नहीं पता डी और ई को कहाँ प्लेस करना है, तो सिंपली यहाँ पे लिख दो डी और टू प्लेसेस है ई के बीच, ठीक है। फिर कह रहा है रेड कलर बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट बिलो ए, तो यहाँ सी हो जाएगा रेड, यहाँ पे ए के नीचे जस्ट बिलो रेड, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, देर आर एज मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड अबव रेड कलर्ड बॉक्स एज बिलो ई, तो यहाँ पे ऑलरेडी सिक्स बॉक्सेस हो चुके हैं हमारे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, रेड अगर बॉटम में है तो टॉप में ऑब्वियसली ई आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई, ठीक है। यहाँ पे ई को कहाँ प्लेस करना है, देखो अगर रेड के ऊपर हम ए की प्लेस लेते हैं ए को, तो यहाँ ई यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो डी और ई के बीच दो प्लेसेस कह रहा है, देखो वन एंड टू छोड़ के यहाँ सी है, तो ऑब्वियसली यहाँ तो ई नहीं होगा, तो यहाँ एक और प्लेस बनाना पड़ेगा, रेड के ऊपर टू प्लेसेस हैं, तो ई यहाँ पे कहाँ आएगा, ऑरेंज पे आएगा, ठीक है, तभी यहाँ टू प्लेसेस होंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, डी और ई के बीच दो प्लेसेस हैं, तो यहाँ आएगा डी ऊपर, ठीक है, यहाँ पे डी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ई इज नॉट ऑरेंज कलर बॉक्स, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ई यहाँ पे ऑरेंज कलर है ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर कह रहा है ब्लैक कलर बॉक्स इज प्लेस जस्ट एबव येलो कलर्ड बॉक्स, यानी दो प्लेसेस चाहिए, यहाँ पे है दो प्लेसेस, येलो के ऊपर यहाँ येलो, ब्लैक है यहाँ ब्लैक, ठीक है। फिर कह रहा है एफ इज प्लेस्ड एबव बी, तो यहाँ एफ होगा, यहाँ होगा नीचे बी, और क्या बचा, कलर्स ऑरेंज रेड ब्लैक येलो पिंक, गया वाइट बचा, ठीक है, तो सी हो जाएगा वाइट, ठीक है। ये हो गया बॉक्स पजल सॉल्व। हर पजल में क्वेश्चन सॉल्व करा के मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती आप सबका। फर्स्ट पजल में आपने देखा क्वेश्चंस इजी आते हैं, वंस यू हैव डन विद द पजल फाइव मार्क्स आर योर्स, राइट। सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट पजल। देखो ये है फ्लोर पजल, देर आर 10 पर्सन जे पी क्यू आर एस टी जी यू वी एंड एक्स लिविंग इन ए 10 फ्लोर बिल्डिंग सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड वन, जस्ट अबव फ्लोर इज नंबर्ड एज टू एंड सो ऑन, टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर डस 10, ठीक है। हम बना लेते हैं यहाँ पे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। यहाँ पे लाइंस ऐसे ड्रॉ कर लेना ताकि जितने भी केसेस बन सके उनको आप सॉल्व कर सको, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो पी लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर, ठीक है, यहाँ पे पी हो गया। फिर क्या कह रहा है, ओनली थ्री पर्सन्स लिव बिटवीन पी एंड बी, तो वन टू थ्री भी यहाँ पे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, वन टू थ्री
भी यहाँ पे भी हो सकता है, दो केसेस बन गए, ठीक है। फिर कह रहा है टी लिव्स इमीडिएट अबव जे हु लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, तो हमें यहाँ पे कहाँ प्लेस करना है नहीं पता है, बहुत सारे प्लेसेस हैं, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ सिंपली लिख लेते हैं जे ऑड में है ओ लिख दो, जे के इमीडिएट अबव में क्या है टी है, ठीक है। फिर कह रहा है एस लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो आर, आर के नीचे यहाँ पे सिंपली लिख लो एस, ठीक है। फिर क्या कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन जे एंड पी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन टी एंड आर, जे और पी के बीच जितने हैं टी और आर के बीच उतने ही पर्सन हैं, ठीक है। देर इज वन फ्लोर इन बिटवीन यू एंड एक्स, यू और एक्स के बीच वन फ्लोर है। फिर कह रहा है डब्ल्यू लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, तो डब्ल्यू ऑड में है ओ लिख दो। फिर क्या कह रहा है आर डज नॉट लिव ऑन टॉप फ्लोर, यहाँ पे आर नहीं होगा। फिर कह रहा है एस लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर एबव एक्स बट नॉट ऑन सेवेंथ फ्लोर, तो एक्स के ऊपर कहीं एस है लेकिन सेवेंथ फ्लोर में नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है वी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच पी लिव्स, तो ये जो केस हमने बनाए थे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वी पी के नीचे है, ठीक है। फिर कह रहा है यू लिव्स एबव द फ्लोर ऑन विच एक्स लिव्स, तो हमने यहाँ यू और एक्स के बीच जो वन प्लेस बनाई थी ये हो जाएगा ऐसे यू वन एक्स, ठीक है। फिर कह रहा है क्यू लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एबव पी बट नॉट ऑन टॉप फ्लोर, तो पी के ऊपर कहीं है इवन नंबर पे क्यू, ई लिख दो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन टॉप में नहीं है, ठीक है। देखो इन्हीं सारे क्लू में से हमको सॉल्व करना है ये पजल, देखो कौन सा क्लू सिमिलर है। यहाँ पे देखो टी और जे है, यहाँ भी टी और जे है, तो इसको हम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, जे है ऑड प्लेस में, ठीक है। ऑड प्लेस ढूंढो कहाँ है, यहाँ सेवन है तो यहाँ पे बिठा लो जे को, यहाँ होगा टी। फिर कह रहा है जे और पी के बीच जितने मेंबर हैं टी और आर के बीच उतने ही मेंबर हैं, यहाँ जे और पी के बीच कितने हैं वन, तो यहाँ टी और आर, यहाँ आर नहीं आ सकता, आर टॉप में नहीं होगा, तो आर कहाँ होगा यहाँ होगा। फिर कहाँ हो सकता है, यहाँ ऑड प्लेस थ्री में है, यहाँ जे को बिठा लो, यहाँ होगा टी, जे और पी के बीच वन है तो टी और आर के बीच आर यहाँ होगा, ठीक है। देखो यहाँ टू में आर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि आर के नीचे कहीं एस है, देखो ये हमने क्लू बनाई थी, तो आर यहाँ नहीं होगा, ठीक है। फिर ऑड प्लेस कहाँ है, नाइन में है, जे को यहाँ बिठा लो, टी को यहाँ बिठा लो, पी फाइव में है, भी नीचे है, और जे और पी के बीच थ्री मेंबर हैं, टी और आर के बीच वन टू थ्री, आर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आर को लेकर और क्या क्लू है, देखो यहाँ आर के नीचे कहीं एस है और यहाँ एस ऑड नंबर फ्लोर पे है लेकिन सेवेंथ फ्लोर पे नहीं है, तो यहाँ आर के नीचे कोई ऑड नंबर नहीं है, सिर्फ टू का प्लेस बाकी है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पे आर के नीचे क्या ऑड है, थ्री है, तो यहाँ होगा एस, यहाँ पे भी थ्री में होगा एस। फिर एस क्या है, एक्स के ऊपर कहीं है और एक्स को लेकर यहाँ क्लू है, यू और एक्स के बीच वन पर्सन है, यू ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ होगा यू, यहाँ होगा एक्स, सिमिलरली यहाँ होगा यू, यहाँ होगा एक्स। फिर कह रहा है W कहीं ऑड नंबर प्लेस पे है, W यहाँ ऑड कहाँ बचा है, यहाँ सेवन बचा है, यहाँ पे W को बिठा दो, यहाँ नाइन बचा है, यहाँ पे W को बिठा दो। फिर क्या बचा, Q बचा, तो Q के लिए प्लेस टॉप में है लेकिन हमें Q टॉप में मना कर रहा था, तो ये हो जाएगा कैंसल आउट, यहाँ Q होगा एट नंबर प्लेस पे, ठीक है। ये हो गया सॉल्व 10 फ्लोर बिल्डिंग पजल, टी जे क्यू डब्ल्यू आर पी यू एस एक्स और भी, ठीक है। अब हम करेंगे ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट को, देखो क्या कह रहा है, सिक्स पर्सन्स आर सीटिंग अराउंड ए ट्रायंगुलर टेबल, पर्सन्स हु आर सीटिंग एट कॉर्नर आर फेसिंग टुवर्ड्स द टेबल एंड द पर्सन्स हु आर सीटिंग एट मिडिल ऑफ द टेबल आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल, ठीक है। हम ट्रायंगल बना लेते हैं, एक और एक दो, दो केसेस बना लेते हैं, कॉर्नर पे जो है वो सेंटर को फेस कर रहे हैं और जो मिडिल पे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, यहाँ पे भी बना लो, कॉर्नर को सेंटर और मिडिल जो है वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो ए सीट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल, तो ए को यहाँ बिठा लो। फिर कह रहा है एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए,
तो यहाँ पे एम होगा, यहाँ एम बना लो, ठीक है। फिर कह रहा है टू पर्सन सीट बिटवीन एम एंड बी, वन टू छोड़ के बी यहाँ पे होगा, यहाँ पे एम, वन टू छोड़ के बी यहाँ पे होगा, ठीक है। सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, यहाँ इमीडिएट राइट पे सी यहाँ होगा, यहाँ इमीडिएट राइट पे सी यहाँ होगा, ठीक है। फिर कह रहा है एन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। अगर ओ कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा है तो यहाँ पे ओ होगा, यहाँ पे एन होगा, क्योंकि ओ कॉर्नर पे नहीं होगा। यहाँ पे दो प्लेसेस अलग अलग है तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पे टू प्लेसेस हमको एक साथ चाहिए तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व, ठीक है। देखो जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है या जिसमें वन वेरिएबल भी होता है ना, वो पजल्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप 1 और 2 मिनट में भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये था SBI PO Pre 2019 का मेमोरी बेस्ड रीजनिंग पेपर। नेक्स्ट सेशन में हम IBPS क्लर्क प्री 2020 के रीजनिंग मेमोरी बेस्ड पेपर को सॉल्व करेंगे। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।